अस्सलाम वालेकुम। तोहफा आपके लिए। शुक्रिया। नमाज पढ़ लिए? हाँ, अच्छा चलो, अच्छा लग रहा है फूल आपके हाथ में। सुबह सुबह नमाज के बाद फूल, बिल्कुल ताज़ा फूल मंगाए हैं मार्केट से आपके लिए। तिलावत करने जा रहे हैं? हम भी तो पढ़ ही रहे थे। उनका ला दरवाज़ा खोल दें, आपको एक प्यारा सा फूल दे दें तोहफा, उसके बाद जो है पढ़ाई कर। चश्मा ये है, चश्मा लीजिए, चश्मा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अच्छे हैं और हमारी वही सुबह की इबादत चल रही है। सुबह का आगाज़ आप लोगों से और जो भी रूटीन होगी आपसे शेयर करते हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। नमाज मेरी हो जाए तो किचन में चलते हैं। ब्रेड तल लिया है और अंडे को फेंट लेते हैं। इसमें नमक डाल दिया है तो नीचे बैठ जाता है अंडा। चाय हो गई है, मिर्ची नमक प्याज टमाटर हल्का डाल दिया है, धनिया डाल देते फिर हाथ भीग जाएगा हमारा, इसलिए जानते हैं तो बहुत ज़रूरी तो है नहीं। गोश्त हो, कीमा हो तो धनिया डाल दे। और तेल हमारा देखो लाल भी हो गया एकदम, थोड़ा बहुत अब घी भी ख़त्म हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत लगा दिया हमने ब्रेड में। और फिर बलाई जब होगी तब देसी घी बनाएंगे, अभी तो फिलहाल अब भी नहीं है बलाई। दूध जो हो रहा सुबह शाम अदनान पी जा रहे हैं बलाई समेत। पहले अदनान बलाई नहीं पीते थे, पर अब बलाई पीने लगे हैं दूध डाल के। तो उनका चलो कोई बात नहीं, पी जाओ, बूस्ट डाल लेते हैं पी जाते हैं। वो लगातार पियेंगे नहीं, कुछ दिन बस पियेंगे छोड़ देते हैं, लगातार नहीं पीते। चाय लाल हो गई है। अदनान के अबू कह रहे हैं आमलेट चाहिए हमको और ब्रेड चाहिए, और अंदर जो है देख रहे हैं मैच देख रहे हैं अपना, वो देख रहे हैं मैच देख रहे हैं टीवी में, क्रिकेट आ रहा है। आमलेट हो गया है, ब्रेड चाय, क्रिकेट देख रहे हैं। हाँ क्रिकेट का बहुत शौक है मेरा। आमलेट और उधर चले गए बात करने और आमलेट देखो लाल हो गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, इतना ही लाल खा लेते हैं। इनके अब्बू को जो है ना लाली वाला खाते हैं पसंद है इनको। हाँ तुम भी ले लो ना, लाली वाला पसंद है। चलो हाँ हाँ, मोजा पहने, मोजे पहने जो है ज्यादा ऊंचाई तक डेंगू के। हाँ यहाँ अंधेरा है ना, सिलेंडर सब रखा है, काट लेगा सही। होते और ये दिन में भी मार्टिन तो सुबह से जलाए हुए हैं, ये वो सब नीचे से नहीं काट रहे तो ऊपर से सब महीन महीन उड़ के काट रहे हैं। वही ना, इतना बचाओ। चाय तो हमारी थोड़ा काली लग रही हो गई, पत्ती ज्यादा डल गई, पक गई है लग रही। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कड़ी पी लेंगे हम लोग। और देखें अदनान के अबू बेचारे मार्केट से खाली सामान कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ धोते रहते हैं। कि लगता अदरक पर्चा बनाए थे तो अदरक नहीं थी, और सब समझ समझ के लाएंगे, अच्छा कायदे का हो, ठीक ठाक हो। बच्चों को दे दो तो बस ऐसे ही उठा लाते हैं। अदनान को दिए तो नए आलू के बजाय पुराना आलू उठा लाए उनको। वहीं बच्चों को उतनी जो है समझ में आता नहीं कैसे क्या खरीदा जाए, उनके अबू बेचारे सब ले आ देते हैं। जब वो आते हैं तो उन्हीं से सब हम मंगा लेते हैं। और देखो मसाले में सूखी धनिया नहीं थी, सूखी धनिया भी मंगाए मगर उसके यहाँ भी गरम मसाला पीसा ही नहीं है, तो इसलिए मसाला नहीं आया, तो सारे आइटम मोल आ चुके हैं। और भीम का लड्डू फरहान हमको खिला रहे हैं कि अम्मी भीम का लड्डू खा लिए, खा ही लेते हैं भीम का लड्डू, ख़त्म नहीं हो रहा। तो अरे भीम का लड्डू बन रहा क्या? नमाज हमने पढ़ी, हाँ इसके बाद हमारे यहाँ हदीस पाक पढ़ी जाती है ईशा के बाद। कौन मस्जिद में,
कौन मस्जिद में? हुमा मस्जिद में। अच्छा। और इसके बाद वहाँ मशवरा होता है मोहल्ले की आबादी के लिए नमाजों और नमाजी कैसे लोग मोहल्ले में बने, मशवरा हुआ और हम जिम्मेदार थे उसमें। अच्छा। और हमारी कल ईशा की अजान भी दिए थे ना आज मैं दिया हूँ। हम आवाज पहचान गए थे। ईशा के बाद मशवरे में हमको बात भी करनी है थोड़ी दिन की, कल ईशा के बाद। अच्छा। हाँ अजान हो रही थी तो हम आवाज पहचान गए कि आपकी आवाज है। जान खाई लिए हैं, परहान बचे हैं और हम बचे हैं, आप हैं बस। उबैद है ही नहीं, खाली खाली लग रहा है ना। उबैद लखनऊ पहुंच गए हैं है ना, पहुंच गए होंगे अब तो। चलो नहीं, हम तो हमारा जब ऑपरेशन हुआ तो हम तो दो ही तीन दिन या मुश्किल से चार दिन हम बराए थे। उसके बाद जब मेहमान आ रहे थे तो उसी में सब लोग कहा अच्छा ले लो थोड़ा सा ले लो करके ऑपरेशन के बाद कोई परहेज ही नहीं हुआ हमारा। अब माशाल्लाह हम सब धीरे धीरे करके खाने लगे अभी तक सारा, और तीन ही चार दिन तो बीता हमारा। उसमें चाकू है। हाँ, टमाटर वाली सलाद खाई जाएगी, इसको काटना है बारीक बारीक। हाँ जी। इसको अब हम कीमा है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब बना लिए। ये टमाटर देसी टमाटर इसको हम आज ही ले आए हैं, इसमें रस ज्यादा होता है और ये खाने में इसका जायका भी अच्छा है, ये कुछ मीठा भी होता है खाने में। और इससे पहले टमाटर बाहर के भी आ रहे थे, अभी भी आते हैं, अभी भी बाहर वाला मिल रहा है, ये ज्यादा अच्छा होता है खाने में। और इसमें थोड़ा इसमें प्याज डालेंगे और थोड़ी सी मिर्ची भी रखेंगे। उसमें धनिया है, काली वाली पॉलिथीन में धनिया है, इसको मिर्ची खाना होगा, मिर्ची भी खाएगा। ज्यादा इसमें कुछ और नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा नींबू डालने दो बूंद ना तो अच्छा हो जाएगा इसका जायका, अच्छा हो जाएगा इसका नींबू डालने से, जरा सा ज्यादा नहीं। अदनान तो खा लिए हैं तो खाली हम लोग तीन ही लोग बचे हैं। क्यों खाए इतनी जल्दी? अब्बू के साथ खाते, नमाज पढ़ के अब्बू आ रहे थे। जवाब भी नहीं देता, आवाज चली जाएगी, इतने वो है। जवाब तो दिया करो। हाँ, 7:15 बजे ईशा की 7:15 बजे हो रही है नमाज। अदनान दुपट्टा छोड़ दो बेटा। हम थोड़ा सा प्याज भी गोल गोल काट लेंगे, इससे ये होगा सलाद खाने में तो जायका है, ये देखने में भी ठीक लगेगी। हम वजू करके खड़े हैं, पहले ही से कर लिया ताकि हमको सवाब का सवाब मिले और खाना भी खा लेंगे और उसके बाद खाने के बाद तब नमाज पढ़ लेंगे है ना। वजू बना रहेगा तो उसका सवाब भी रहता है ना। बिलाल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम्हारा कौन सा अमल है कि हमने जन्नत में तुम्हारे जूते की चलने की आवाज सुनी? फरमाया अल्लाह के नबी मेरा कोई अमल तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब वजू टूट जाता है तो वजू करके दो रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ता हूँ। आका अलैहि सलाम ने फरमाया यही वजह है। सही। किस मुद्दे पे बात हो रही थी? हमारे ऑपरेशन के मुद्दे पे बात हो रही थी, क्योंकि नमाज तस्बीह दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ऑपरेशन तो हो गया और हम उतनी ही जल्दी हमको रिकवरी भी हो गई और हम सब कुछ खाने लगे माशाल्लाह सब कुछ। और आज 2 महीना हो गया होगा ऑपरेशन के और सब ज्यादा हो गया होगा कुछ, तो हम सब कुछ खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो हम ना खाते हों? माशाल्लाह से सब कुछ सही है मेरा, सब खाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिस हाल में रखे हैं अल्लाह पाक कमाल रखे हैं। कीमा हमने बना दिया, बिस्मिल्लाह कर लिया और सर खोल के ना निकले, सर ढका रहे तो सर भी ढका है, औरतों का खुला भी रहता है अक्सर, पहले हम ही खोल खोल के निकाल लेते थे। सबसे बड़ी बात पहले से निकालना, अपनी गलती तो पहले इंसान को देखनी चाहिए, हम खुद ही खोल खोल के निकालते थे। और किनारे से अपनी प्लेट में खाना भी चाहिए, बीच में बरकत उतरती है। सही। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उस पर चले तो बहुत फायदे हैं, उसमें दस्तरखान बिछा के बड़ी बरकत होती है, नमाजों की कतार, नमाज की पाबंदी के साथ। सही। चलो आओ फरहान, आ जाओ तुम भी, आ जाओ फरहान, चलो आप लोग भी आ जाएं, खा लें, दुआओं में याद रखें। सबके लिए हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, सबकी बख्शिश के लिए अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं, रोते भी हैं। और हमारे जितने रिश्तेदार हैं, मेरी बहनें, उनके बच्चे, उनके शौहर, उनकी नस्लें,
और जितने दुनिया में मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, और जो भी इंसान है, बहरहाल मुस्लिम हो या ना हो, इंसान तो है, अल्लाह का बनाया बंदा, सबके लिए अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं। बहरहाल ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है, बस ये कि दिल से मजबूर है इंसान बता देता है हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, हम सबके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अब वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।